हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आप अपने अगर श्रमिक कार्ड बनवाना चाहते हैं यानी लेबर कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप खुद से कैसे बना सकते हैं ऑनलाइन, या आप अपनी मोबाइल से बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि आप अपनी श्रमिक कार्ड या किसी का भी श्रमिक कार्ड लेबर कार्ड आप बनवाना चाहते हैं तो कैसे खुद से बनाएं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें, और इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबा दें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, आप देख रहे हैं नॉलेज फॉर हिंदी। के लिए आपको अपना गूगल क्रोम या ब्राउजर में आपको ishramik.gov.in लिख देना है, या आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट आ सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन आपको, यानी जो भी डॉक्यूमेंट जो भी चीज लगेगा आपका रजिस्ट्रेशन के लिए, आपका आधार नंबर होना जरूरी है आपके पास, आधार लिंक एक्टिव मोबाइल नंबर होना जरूरी है, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स होना जरूरी है, उसके बाद आपका एज जो है 16 से 59 के बीच होना चाहिए, तभी आपका आपका ई रजिस्ट्रेशन होगा यानी आपका श्रमिक कार्ड रजिस्ट्रेशन होगा। आपका आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर एक्टिव है वो आपके पास होना जरूरी है दोस्तों। उसका आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर लिंक मोबाइल नंबर यहां पे आपको देना है जो कि आपके आधार कार्ड में है, उसके बाद ये कैप्चा डाल के आपको इसे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। चलिए हम यहां पे अपना डिटेल्स फिल कर देते हैं। जैसे ही आप ओटीपी डाल देंगे उसके बाद आपको अपना आधार नंबर देना है, जो कि उसके बाद आपको यहां पे कैप्चा देना है। मैं आपको एक बार बता दूं, जो स्टार बनाया हुआ है, जो भी आपका यहाँ पे आधार नंबर के ऊपर स्टार बना हुआ उसका कंपलसरी है देना। चलिए हम अपना आधार नंबर और ये कैप्चा देने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आई एग्री करना है आपको। चलिए हम अपना आधार नंबर डाल देते हैं सबसे पहले यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे ओटीपी देना है जो कि आपके आधार कार्ड में एक्टिव आपका मोबाइल नंबर है। वैलिडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद उसके यहाँ पे आपका जो भी डिटेल्स है दोस्तों, आपका डिटेल्स पूरे यहाँ पे दिखाई देगा, जो भी आपके आधार कार्ड में डिटेल्स आपने दिए हैं सभी डिटेल्स ऑटोमेटिक ही यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा। उसके बाद कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स में आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इंटर अदर डिटेल्स में आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका इमरजेंसी मोबाइल नंबर देना है, एक आपको अपना ईमेल आईडी देना है, उसके बाद मेटेरियल स्टेटस क्या है यानी आपका जो मेरिड है अनमेरिड है, जो नेवर मेरिड कर देंगे, उसके बाद आपका फादर्स नेम देना है, सोशल कैटेगरी आपका क्या है एससी एसटी जनरल है, जो भी उसका ब्लड ग्रुप अगर है तो आप दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते क्योंकि इसके ऊपर स्टार बना हुआ नहीं है। उसके बाद आपके यहाँ पे नॉमिनी डिटेल देना है, नेम देना है, उनका डेट ऑफ बर्थ देना है, उनका मेल उनका जेंडर देना है, मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप विथ यू यानी आपके साथ क्या रिलेशनशिप है फादर कर देंगे, जो भी आपको देना है दे सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने लगे हैं। जैसे सिर्फ एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ और डिटेल देना पड़ेगा, रेसिडेंटल डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, आपका हाउस नेम नेम स्टेट कौन सी है आप यहाँ पे दे देंगे, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपको यहाँ पे वो भी डिटेल्स फिल करना है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उसका डिस्ट्रिक्ट दे देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो ऑलरेडी सेलेक्ट होता है रूरल अर्बन, उसके बाद अपना हाउस नंबर, स्टेट कौन सी है डिस्ट्रिक्ट, फिर से आपको यहाँ पे पिन कोड देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कि करंट लोकेशन में आप कब से रह रहे हैं, 4, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल जो भी आप यहाँ पे ले रह रहे हैं उस वहाँ पे दे देंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर से आपको दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या है, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, सेकेंडरी हाई सेकेंडरी डिप्लोमा ग्रेजुएट जो भी आप हैं यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है क्योंकि इसके ऊपर स्टार बना हुआ नहीं है। उसके बाद मंथली इनकम क्या है आपका 5 से 10 हज़ार, 20 हज़ार जो भी आपका है यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना भी यहाँ पे कोई जरूरी नहीं क्योंकि दोस्तों यहाँ पे स्टार बना हुआ नहीं है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे बोल रहा है कि आपका जो आप जो काम जानते हैं वो क्या काम है आपका, जैसे फार्मर एग्रीकल्चर कुछ भी आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ आपको लिस्ट अगर देखना है तो आप यहाँ से पूरा लिस्ट भी देख सकते हैं कौन सी का काम यहाँ पे भीतर आता है। क्लिक हियर में क्लिक करके आप अपना लिस्ट देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में आपका जो काम है वो आपका काम कौन सी कैटेगरी में आता है। यहाँ पे आपको क्लिक हियर में डाउनलोड करके आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स उस लिस्ट का आपको दिखाई देने लगेगा दोस्तों। आप यहाँ से देख सकते हैं पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। तो अगर आपको यहाँ पे देखना है तो ये आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपका काम हर काम इसमें आए, ठीक है। उसके बाद आपके में जो भी काम आपका है यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कि आपका वर्क का एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस कितने साल का है आपको 4 साल 5 साल जो भी है आप यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद आपको ठीक है नीचे स्क्रॉल करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है दोस्तों। फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने पर बोल रहा है आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स देना पड़ेगा, जो कि आपका बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, दो बार आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, अकाउंट होल्डर नेम होना चाहिए, उसके बाद लुक
आप फॉर आईएफएससी कोड, आपका जो बैंक का आईएफएससी कोड है वो देना है, उसका बैंक नेम ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, जैसे सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे उसका ब्रांच नेम आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पे अपना बैंक डिटेल सबसे पहले फिल कर देते हैं। जैसे आप ये अपना आईएफएससी कोड फिल करेंगे तो उसके बाद सर्च के ऊपर क्लिक करना है, सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका बैंक नेम और ब्रांच नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे फिर से। उसके बाद देखेंगे कि दोस्तों आपके यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपका फिल हो चुका है, जो कि आपके यहाँ पे आपने डिटेल दिए हैं और जो आपके आधार कार्ड में डिटेल्स है आप यहाँ से ऐसे पूरी डिटेल देख सकते हैं। अगर इसमें कुछ भी करेक्शन करना है, इसमें कुछ भी गलत हुआ है तो आप नीचे से आपको करेक्शन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, एडिट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। एडिट में क्लिक करके आप कोई भी यहाँ पे सुधार भी सकते हैं, अगर ऐसे प्रिंट करना चाहते हो तो आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये सब कुछ सही है तो अगर इसे सबमिट करना है तो आपको यहाँ पे सिंपल सा इसे टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। चलिए हम इसे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सबमिट करने से पहले आप ईपीआईसी या ईएसआईसी का मेंबर नहीं होना चाहिए और आप इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लेबर कार्ड बन चुका है और आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने लेबर कार्ड को बना सकते हैं, अपने श्रमिक कार्ड को बना सकते हैं दोस्तों।